एग्जाम्पल एट देखते हैं, डेट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो पहले तो ये सोचना है कि ये किस फॉर्मूले से कंपेयर होगा, तो ये जो फॉर्मूले से कंपेयर होगा दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहां पर ए की वैल्यू हमारी 4 होगी, तो इस इंटीग्रल को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 हो गई, तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो दिस विल बिकम 1 ओवर 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 4 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए दैट इज एक्स माइनस 4 एक्स प्लस ए दैट इज एक्स प्लस 4 प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो द आंसर विल बी 1 बाई 8 लॉग ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 मॉडुलस प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ ये हमारा किसी भी फॉर्मूले से अभी मैच नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सॉल्व करना होगा। तो हम केवल पहले इतने एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, तो हमें बहुत आसानी से पता लग गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनेगा। लेकिन अब इसको मैं ऐसे कर लूंगा तो ये हमारे पास रहेगा माइनस, अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और ये माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस 1 आ जाएगा और माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर था वो हमारा इसके इक्विवेलेंट आ गया, 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर के। तो इसको मैं लिखूंगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ओके, अब हम x माइनस 1 को t ले लेंगे, जैसे ही x माइनस 1 को t लेंगे dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला जो है इसके जैसा दिख रहा होगा, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और इसका हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रल, नॉट इंटीग्रल, जस्ट डायरेक्टली हम साइन इनवर्स t लिख देंगे प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जो हमारे पास t है दैट इज t इज वॉट, t इज अवर x माइनस 1 प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमें याद रखना, वैसे भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बट ट्राई टू कंपेयर विद दिस फॉर्मूला, हमेशा इस ऐसे जो फॉर्मूले हैं इनसे हमें कंपेयर करना चाहिए। ओके,